तो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। आज हम आपको बताएंगे BCAA से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। सब लोग वीडियो बनाते हैं BCAA के ऊपर, बट वो आपको सिर्फ इसके फायदों के बारे में ही बताते रहते हैं, बट मैंने इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी बताऊंगा कि क्या आपको नुकसान हो सकते हैं आपकी सेहत के साथ में। उससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो जो लोग भी ज़्यादा शराब पीते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हें BCAA का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सर्जरी हुई है या फिर होने जा रही है तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। और ब्लड शुगर लेवल को ये अफेक्ट करता है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आप इसका दिन में 40 ग्राम 50 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं तो डायबिटीज़ हो सकता है। जो भी महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं जो या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो इसका परहेज करें, बिकॉज इसका नेगेटिव रिएक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर। अगर कोई थायराइड या फिर डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर वो भी इसे ना लें। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। और इस अगर इसकी बात की जाए साइड इफेक्ट के बारे में, अगर आप इसे दिन में 20 ग्राम से ज्यादा ले रहे हैं, 30 ग्राम 40 या 50 ग्राम तक ले रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि जिनको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर उसे डायबिटीज की दवा खा रहे हैं ऑलरेडी, तो वो लोग इसके ना लें। और दूसरे मेडिकल की दवाई भी अगर आप खा रहे हैं, कुछ बीमार चल रहे हैं किसी वजह से, तो उसके साथ भी ये नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो उसके लिए भी पहले आप डॉक्टर से पूछ लें। अगर आपको किडनी की, लीवर की या दिल की कोई बीमारी है तो उसके लिए भी आप इसके अवॉइड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। BCAA तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वर्कआउट के दौरान आप रेड मीट, चिकन, एग्स ये सब नहीं खा सकते, तो फिर आपको BCAA कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको जरूरत है उसी टाइम अमीनो एसिड की। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई अच्छे ब्रांड का आप प्रोटीन ले सकते हैं। आजकल प्रोटीन के अंदर भी लगभग 5 ग्राम BCAA दिया जाता है और कुछ ग्राम ग्लूटामिन का भी दिया जाता है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि प्रोटीन या फिर BCAA, तो उसमें से आप प्रोटीन के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 5000 रुपए का जो 5 LBS का डब्बा मिलेगा, उसके अंदर आपको हर सर्विंग के अंदर आपको 5 ग्राम तो BCAA मिल जाएगा। तो फिर आपको ये दोनों भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास बजट अच्छा है तो फिर आप ये दोनों भी परचेस कर सकते हैं, और BCAA को आप ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हैं और प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं। 5 ग्राम और 5 ग्राम आप ले सकते हैं, टोटल आप दिन में 15 से 20 ग्राम तक ले सकते हैं। तो फिर एक ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसे चाहते हैं कि मैं इसका लिंक दे दूं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज मैं इस चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ हेल्थ के टॉपिक के ऊपर, जिसे देखने के बाद आप आपके फिटनेस लेवल को आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। मैंने रिसेंटली बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है, आप एक बार नीचे जाके जरूर चेक करें। और बिना सब्सक्राइब किए आप मत जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पे मिलेंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गई तो इसे लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए। और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी सवाल हो इस सप्लीमेंट के बारे में या फिर अदर सप्लीमेंट के बारे में, कोई अदर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको बता दीजिए, मैं उसका आपको आंसर जरूर करूंगा, वीडियो में आपको जरूर बना के दूंगा। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।